भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता है। पालमपुर में पालमपुर की जनता और प्रशासन मिलकर इस क्षेत्र के शहीदों को पूरा सम्मान दे रहे हैं। सौरभ कालिया के नाम पर बहुत बढ़िया विहार, जो पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बना था, मुझे आशा है सरकार ने जैसे कहा है तो बहुत जल्दी फिर से आबाद हो जाएगा। विक्रम भत्रा के नाम से कॉलेज है और विक्रम भत्रा के नाम से कल यहाँ पर इंसाफ संस्था ने एक बहुत बढ़िया विहार वन विभाग की सहायता से प्रारंभ किया। आज सुधीर वाली की प्रतिमा का अनावरण, मुझे इस बात का दुख है कि सुधीर वालिया की प्रतिमा के अनावरण में विलंब हुआ किसी कारण, लेकिन मैं प्रशासन को इस बात की बधाई दूंगा, विशेष रूप से एसके महोदय को, जिन्होंने बहुत जल्दी सारी व्यवस्था की और बहुत अच्छे स्थान पर आज उनकी प्रतिमा को लगाया गया है। मैं उन शहीदों के चरणों में नमन करता हूं जो देश की सुरक्षा के लिए जीवन बलिदान करते रहे, आज भी कर रहे हैं, और पालमपुर की जनता को भी बधाई देता हूं जो शहीदों का सम्मान करने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वीर को 21 वर्ष के बाद यहाँ ये स्थान मिला, मैं शासन और प्रशासन का बहुत धन्यवादी जिन्होंने रात दिन लगाकर इस वीर के लिए कोई जगह लग करके यहाँ पर ले आए और उनको बैठने के लिए जगह दे दिया। मैं बड़ा धन्यवादी हूँ, बड़ा धन्यवादी हूँ मेरे शरीर को, यहाँ पर अच्छी जगह मिल गई, बहुत अच्छी मिली। मैं इतना ही कहकर सबसे क्षमा मांगता हूँ कि कोई गलती हो कुछ हो तो क्या कारण है। लेकिन जब मैंने 2017 का चुनाव लड़ा था, तब चुनाव के दौरान भी मैंने वायदा किया था कि जो भी शहीद यहाँ से हमारे 3-4 सपूत हुए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, और एक उन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है, तो उनको उनकी प्रतिमा उनके एक यादगार के रूप में एक पूरा उनका पूरा लिखा हुआ हर चीज़ उनके बारे में लोग पढ़े आते जाते कि आज इस शहीद ने हमारे देश की खातिर अपने प्राणों के निछावर कर दिया। सुधीर जी के बारे में तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, बहुत छोटी उम्र, जब जिस उम्र में हम लोगों को समझ भी नहीं होती है, 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश की खातिर लगा दी, तो मैं उनके माँ बाप को शत शत नमन करना चाहती हूँ। आज देखा कितना भावुक क्षण था उनके लिए, सचमुच देखकर मन पसीज गया, और कितनी उनको खुशी है कि आज उनका बेटा यहाँ वो रूबरू 21 साल के बाद उसको देख रहे हैं। इसका जो ये एरिया है उसका ब्यूटिफिकेशन होगा, उसमें गुमती लगेगी, छतरी लगेगी, वो आने वाली है राजस्थान से, संडे को चलेगी, और जब आज इसका सिर्फ अनावरण किया है, उद्घाटन हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, जब हम पूरा इसका ब्यूटिफिकेशन वगैरह कर लेंगे, बॉलिंग बॉल वगैरह लगा देंगे, बेंचेज वगैरह लगा देंगे, उसके बाद हम लोग जो है इसका विधिवत रूप से स्थापना यहाँ पे दोबारा करेंगे। लेकिन शब्द नहीं है आज मैं हम क्या बोलूं। या तो रखे सारा अभिमान, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।